हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू एस्पिरेंट पावर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2020 की नोटिफिकेशन के बारे में, एग्जाम पैटर्न और कब तक ये नोटिफिकेशन आ सकता है और इसकी एग्जाम डेट क्या होंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि एक नोशन प्री नोशन चलाए कि जो नोटिफिकेशन है वो एक साल के बाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 2019 में जो नोटिफिकेशन आया उसमें वैकेंसीज फिल्ड हुई। दोस्तों, 2020 एक स्पेशल ईयर है, खासकर बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि पिछले अगर हम ईयर्स में देखें तो एनपीएस काफ़ी इंक्रीज हो गए थे, जिससे कि इनके बिजनेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ा था। लेकिन अब धीरे धीरे हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, इनकी जो कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो काफ़ी अच्छी हुई है। तो डेफिनेटली बिजनेस इंक्रीज होगा और मैन पावर की ज़रूरत इसमें काफ़ी पड़ेगी। और 2020 अगर आप डीपली एनालाइज करें बैंकिंग इंडस्ट्री को, तो 2020 काफ़ी स्पेशल ईयर रहेगा, खासकर रिक्रूटमेंट, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो रिक्रूटमेंट होगा उसके लिए। और एसबीआई क्लर्क मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा उस रिक्रूटमेंट में, उस प्रोसेस में। तो दोस्तों, दूसरी बात, एसबीआई की जो एसोसिएट्स बैंक्स थी वो अब मर्ज हो गई हैं एसबीआई में, उसकी वजह से भी उनके मैन पावर की जो ज़रूरत पड़ेगी उसको भी फिल एसबीआई द्वारा ही किया जाएगा। तो दोस्तों, ये एक लॉजिक है। अगर आपको सिर्फ स्टडी करनी है, पढ़ना है और बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अगर आप नोटिफिकेशन की बात करें तो आप पिछले सालों से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 2019 में खबर थी कि नोटिफिकेशन बैंकिंग रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा, आईबीपीएस ही नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ कमज़ोर करती हैं, आपकी स्टडी को अफेक्ट करती है। आप पॉजिटिव सोचें और लॉजिक को सोचें कि एसबीआई क्लर्क 2020 क्यों नहीं आएगा, इतनी बड़ी बैंक है। अगर हम बात करें बिजनेस प्रोस्पेक्ट की, उसमें ग्रोथ हो रही है तो डेफिनेटली रिक्रूटमेंट आएगा, एसबीआई पीओ का आएगा, आरबीआई असिस्टेंट का आएगा, बहुत सारे लाइनअप रहेंगे आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट के। मैं डेट भी बताऊंगा और एग्जाम डेट भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, मेंस एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। तो इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो उन सभी कैंडिडेट के लिए जिनकी इंग्लिश वीक है या फिर जिन्हें इंटरव्यू से डर लगता है, उनके लिए ये बेस्ट है। और स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती हैं इसमें, स्टेट वाइज वैकेंसीज निकलती है और कट ऑफ भी स्टेट वाइज जाता है। तो ये एक अच्छी जॉब है, रेस्पेक्टेड जॉब है। अगर हम बात करें एग्जाम नेम की, तो वो है एसबीआई क्लर्क 2020, कंडक्टिंग बॉडी एसबीआई। अगर हम बात करें नेशनल लेवल पर ये एग्जाम होता है, और एग्जाम डेट की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड है कि जून 2020 में होगा और मेंस इसका अगस्त में एक्सपेक्टेड है। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें 20 से 28, ये जनरल के लिए, और इसमें रेस्पेक्टेड जो कैटेगरीज हैं उनके लिए अलग से एज क्राइटेरिया है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। जो एग्ज़ाम होगा आपके दोनों प्री एंड मेंस, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। प्री जो होगा वो एक आवर का होगा, 20-20 मिनट आपको डिवाइड होगा 3 सेक्शन में, इंग्लिश, क्वांट एंड रीजनिंग। अगर हम मेंस की बात करें 160 मिनट। एसबीआई क्लर्क की सैलरी 20,000 से 23,000 होती है। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, अगर हम प्री का एग्ज़ाम देखें तो इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी क्वांट के 35 क्वेश्चन 35 मिनट और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मिनट। इन सभी के लिए आपको अलग से 20 मिनट मिलेंगे और टोटल है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट। दोस्तों, अगर हम बात करें मेंस की, मेंस का पैटर्न थोड़ा अलग होता है। इसमें जनरल अवेयरनेस का सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट। अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट, क्वांट की बात करें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट और जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 35 मिनट। तो आप देखें 190 क्वेश्चन होते हैं मेंस में, 200 क्वेश्चन मार्क्स होते हैं टोटल और 2 आवर 40 मिनट्स होते हैं। अगर हम बात करें सिलेबस की, ये प्रीलिम्स का सिलेबस है। पजल, सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, इनइक्वालिटी, सिलॉगिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, ऑर्डर रैंकिंग। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एबिलिटी की, नोट नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा सफिशेंसी, मिसलिनियस। अगर हम बात करें इंग्लिश सेक्शन की, रीडिंग कंप्रेशन, क्लोज टेस्ट, फिलर्स, स्पोर्टिंग एरर्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों, ये था इसका सिलेबस। अगर हम बात करें नोटिफिकेशन कब तक एक्सपेक्टेड है, तो दोस्तों नोटिफिकेशन जो है इसका, जो एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट है वो है जून 2020 और मेंस इसका है अगस्त 2020।
तो नोटिफिकेशन आपको जैन या फेम में देखने को मिल सकता है। इस सबसे पहले 2020 का सबसे पहला एग्ज़ाम होगा आरबीआई असिस्टेंट। तो अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन करते हैं एसबीआई क्लर्क के लिए, आरबीआई असिस्टेंट के लिए और एसबीआई पीओ के लिए, तो आपको कम से कम 3 मंथ का टाइम मिलेगा और एग्ज़ाम के लिए आपको 6 मंथ। तो अगर आप अभी से तैयारी करते हैं तो आप उन सभी कॉम्पिटिशन से आगे होंगे जो लेट नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करेंगे। दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है डे बाई डे। आप आईबीपीएस पीओ मेंस को देख सकते हैं कितना हाई लेवल इसमें पूछा गया था, और डेफिनेटली एसबीआई क्लर्क या आरबीआई असिस्टेंट की डिफ़िकल्टी लेवल भी इंक्रीज होगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट इसमें किए कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, डेफिनेटली नोटिफिकेशन विल कम। तो इसमें आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान रखना है और आप अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को उसको इंक्रीज करना है और अपना बेस्ट देना है। सो आपको वीडियो कैसी लगी इसे लाइक कर दें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।